आज हम बनाएंगे मिक्स्ड फ्राइड राइस। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ लिया है चिकन। चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है मैंने। अब चिकन में डालेंगे नमक और सोया सॉस। चिकन को हम मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए रख लेंगे। दूसरी बाउल में लिया है मैंने झींगा। झींगा को साफ करके छिलका हटा के रखे है। इसमें डालेंगे नमक। नमक को भी बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे और 15 मिनट के लिए रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे गाजर, जुलियन साइज में कटा हुआ। गाजर को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक। नमक को गाजर के साथ बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए जो गाजर है ये फ्राई हो गया है। फिर एक प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे बीन्स, जूलियन साइज में कटा हुआ। बीन्स को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर डालेंगे नमक। नमक बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे बीन्स के साथ और फ्राई होने तक इंतज़ार करेंगे। देखिए बीन्स फ्राई हो गया है। फिर एक प्लेट में हम सेट कर लेंगे। फिर हम डालेंगे पनीर। पनीर यहाँ ऑप्शनल है, अगर कोई नहीं चाहते हैं तो भी नहीं डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे नमक। नमक को पनीर के साथ बहुत अच्छे से मिला लेंगे। देखिए पनीर सैलो फ्राई हो चुका है। फिर इसको एक प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा चिकन फ्राई हो गया है। फिर एक प्लेट में चिकन को शिफ्ट कर लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में डालेंगे मैरिनेट किया हुआ झींगा। झींगा को भी बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि झींगा बहुत ही सॉफ्ट होता है। और इसको एक प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे चॉप्ड किया हुआ लहसुन। लहसुन को बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज शैलो फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, गरम मसाला पाउडर। इसको बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे उबाला हुआ चावल। चावल को सिर्फ हमने नॉर्मल पानी से उबाले हैं। चावल को थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे फ्राइड किया हुआ झींगा और फ्राइड किया हुआ चिकन। चिकन और झींगा को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर कढ़ाई में डालेंगे फ्राइड किया हुआ गाजर और फ्राइड किया हुआ बीन्स। फिर इसको बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे फ्राइड किया हुआ पनीर और अंडे का भुजिया। अंडा भुजिया सबको ही बनाना आता है इसीलिए मैंने नहीं दिखाया है। अंडा और पनीर को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक और डालेंगे काजू और किशमिश। इसको भी बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए हमारा जो फ्राइड राइस है ये बनके तैयार है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन दे दिया है गार्निशिंग के लिए।
तो आप इसको चिकन मटन किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं।